ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के सत्संग। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 8 7 नंबर श्लोक में पढ़ किया था। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनित्या शुभैराग्य ज्ञानम चयन अहेतुक। श्लोक में श्री गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का केवल भक्ति शुद्ध भक्ति करने मात्र से हर वो जो चीज वो जरूरत है हमको इस संसार से मुक्त करने के लिए सब अपने आप स्वतः ही भगवान की मुक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। ज्ञान जैसे कि ज्ञान और वैराग्य। और आज के श्लोक में बोल रहे हैं धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विस्वक्षेन कथा श्रिय नोत्पादेत यदि रतिं श्रमेव हि केवलं संश्लेष। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज अ मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of God. अर्थ है कि धर्म स्व अनुष्ठित स्वानिष्ठित पुंसाम विस्वक्षेन कथासु। यहाँ अपने अपने धर्म में स्थित रहने के कारण अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग पूर्व जन्मों के अनुसार स्वभाव प्राप्त हुआ है। कोई सत्वगुण में रजोगुण में तमोगुण में उसके उसके आधार पर उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जो आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रम में अलग अलग स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के अलग अलग धर्म होते हैं कर्तव्य होते हैं ऑक्यूपेशन को बोला जाता है। इसलिए किसान को बोला गया धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा अपने किसी भी वर्ण और आश्रम में रहते हुए अपने किसी भी प्रकार के कर्तव्य का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति विश्वक्षेन कथासु यहा भगवान विश्वक्षेन भगवान का एक नाम है विश्वक्षेन उनके कथासु मतलब उनके बारे में उनके कथा के बारे में या उनके उपदेशों के बारे में या न उत्पादये यदि रतिम रतिम मतलब अट्रैक्शन आकर्षण रुचि या प्रेम बोल सकते हैं। रति रति का मतलब होता है अट्रैक्शन आसक्ति है। अगर न उत्पादे अगर उत्पन्न नहीं करता है या किसी भी प्रकार के हमारे कर्तव्यों का पालन करने से भगवान विश्वक्षेन के कथा यानी उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में अट्रैक्शन नहीं उत्पन्न होता है तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रम है वही केवल पूर्ण रूप से केवल क्या होता है श्रम होता है यूजलेस लेबर हो जाता है। उसका कोई अर्थ नहीं होता है उस प्रकार के कर्तव्यों को करने के लिए। इसलिए अनुवाद में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान पिछले दो श्लोक 8 नंबर श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन अगर हम 6 नंबर श्लोक देखेंगे तो शौनक ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था कि सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशन बेस्ट कर्तव्य क्या है क्या करना चाहिए व्यक्ति को, क्या व्यक्ति को घर बार छोड़ करके पूर्ण रूप से संन्यास ले लेना चाहिए या केवल घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाते हैं कोई अलग अलग इस प्रकार से क्या हमारा उचित कर्तव्य है क्या करना चाहिए इसके विषय में सबके अलग अलग मत होते हैं। कोई बोलता है कि केवल अपने घर गृहस्थी में रह के अपने जो परिवार वालों का पालन पोषण है ईमानदारी से अगर हम वो कार्य करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है वही पूजा है वही भक्ति है। कोई बोलता है कि नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहिए
और देश के लिए कुछ करना चाहिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। फिर कोई बोलता है कि नहीं, सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, वैदिक अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं कि क्या, व्हाट इज द बेस्ट एक्टिविटी, सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है जो करना चाहिए। इसीलिए सौनक ऋषि जो है ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के समक्ष रखते हैं कि सबसे बेस्ट कार्य, बेस्ट ड्यूटी, कर्तव्य, ऑक्यूपेशन या धर्म उसने क्या करना चाहिए। अब वो सरल तरीके से बताइएगा जो कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी उसको करके जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर सके, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि सारे समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, वो सार वस्तु क्या है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जो है छठे नंबर श्लोक में, जो हमने विस्तार से चर्चा किया, वापस से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आज के श्लोक से कनेक्टेड है। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं बोलते कि घर गृहस्थी के कर्तव्य को करना चाहिए या देश का सेवा करना चाहिए, मानवता का सेवा करना चाहिए, ये सब कुछ छोड़ के जो है संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, आप कुछ भी कार्य करिए, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन, कर्तव्य करिए, उसको धर्म बोला जाता है। लेकिन अगर उस कर्तव्य को करने से, धर्म को करने से भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, उनके प्रति प्रेम, और कैसा प्रेम, शुद्ध प्रेम, अहेतुकी अप्रतिहता प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही परो धर्म है, दैट इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन है, वही सबसे परम धर्म है, ऐसा वर्णन किए। और फिर उसके बाद इस प्रकार के परो धर्मों को करने से ये भगवान के प्रति जो भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उस भक्ति में फिर जब कोई लगाता है अपने आप को, भक्ति योगा प्रयोजिता अगले श्लोक में फिर बोलते हैं, तो उसको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लैकिंग या कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि वही परो धर्म है। अगर भगवान वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता कोई करता है तो निश्चित रूप में उसको संसार से विरक्ति भी मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा, अपने आप को मुक्त भी कर सकता है। अब 8 नंबर श्लोक आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी धर्म में स्थित होकर के अगर भगवान विश्वक्षेण या भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो कोई भी कार्य करे, यहाँ तक कि तथा कथित धर्म का कार्य भी क्यों ना करे, धार्मिक कर्तव्य क्यों का भी पालन क्यों ना करे, वो सब क्या हो जाएगा, श्रम एव ही केवलम हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाएगा, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार से आप समझने के लिए उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे कोई बालक है, वो पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, तो सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए, अगर कोई पूछे कि स्टूडेंट का सबसे अच्छा ड्यूटी कर्तव्य क्या होता है, तो जो सभी इसका निचोड़ जानते हैं, सार जानते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या बताएंगे कि विद्यार्थी कुछ भी करे, चाहे खुद से पढ़े या कोचिंग करके पढ़े या कहीं से ट्रेनिंग ले या कुछ प्रैक्टिकल करे, जो करना है करे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं सार व्यक्ति। एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि उसके पास जो है जिस चीज के लिए एडमिशन लिया है उसका ज्ञान उसके पास आ जाना चाहिए, और उस बेसिस पे वो इस संसार में कोई कार्य को करने के योग्य बन जाना चाहिए, सक्षम हो जाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। वो उसको बोलेंगे कि उस बच्चे ने यानी अच्छे से पढ़ाई किया है, भले उसके लिए अब उसको कुछ भी करना पड़े, तो उसी प्रकार से। और इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, अगर वो कोई भी कार्य करता है लेकिन एंड रिजल्ट में वो जो सब्जेक्ट मैटर है यानी ज्ञान है, ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाता है और समझ नहीं पाता है और एग्जाम में पास नहीं हो पाता, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो उसने जितना भी समय दिया, जितनी भी बुक्स खरीदी, जितना भी पढ़ाई किया, जितना भी कोचिंग क्लास ट्यूशन कुछ भी किया, वो सब क्या हो गया, श्रम एवं केवलम, क्योंकि एंड रिजल्ट में उसको कुछ समझ में तो आया ही नहीं, कुछ पढ़ाई तो किया ही नहीं, ज्ञान तो मिला ही नहीं और एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए उसका सारा जो है परिश्रम केवल जो है परिश्रम रह जाता है, यूजलेस लेबर हो जाता है। उसी प्रकार से क्योंकि उसने ध्यान पूर्वक किस चीज के लिए मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ, बुक्स खरीद रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, कोचिंग क्लास जा रहा हूँ, क्या क्या चीज को प्राप्त करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई और वो कुछ अन्य ही चीज में लग गया, अलग ही चीज के उद्देश्य की पूर्ति हुई, इस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, श्रम एव ही केवलम।
यूजलेस एंडेवर हो जाएगा। उसी प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने अपने स्थिति में के अनुसार, अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण में रहते हुए अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उस धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो करने से भगवान अधोक्ष, भगवान कृष्ण विश्वक्षेन के कथा के प्रति, उनके नाम रूप गुण लीला के प्रति अट्रैक्शन, रति उत्पन्न हो जाना चाहिए। और जितनी मात्रा में भगवान के प्रति रति उत्पन्न होगा, उतनी मात्रा में संसार के प्रति विरक्ति हो जाएगा। तो ये है एंड रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा सारा जो प्रयास है, एंडेवर है, वो सब श्रम ही है केवल, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट तरीके से सूत गोस्वामी इस बात का वर्णन कर रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे, लेकिन फिर भी वो धर्म का पालन करने से भी, यानी कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो भी यूजलेस हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे अर्जुन के भांति बाहरी तरह से लग रहा है कि वो धर्म का कार्य नहीं कर रहा, भगवान का पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर चेतना में भगवान के आदेशानुसार जो है युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो सफल हो गया, क्योंकि उसके कारण भगवान कृष्ण का सेवा हुआ, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम जब सेवा करते हैं, साधन भक्ति करते हैं, और उसको करने से जगह हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, अट्रैक्शन जो बोला गया यहाँ पे, रति उत्पन्न हो जाती है, तो हमारा जीवन जो है सफल हो गया। और अगर नहीं होता है तो हमारे हर प्रकार के क्रियाकलाप जो है केवल यूजलेस इंडेवर है। यूजलेस श्रम एव ही केवलम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सरल है। श्रम एव ही केवलम बोलने का आशय है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि संसार में हमको वापस से जन्म लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारा हमारे द्वारा किया गया हर प्रकार का जो भौतिक कार्य है, जिसको करने से अगर हमने भगवान के प्रति भक्ति नहीं विकसित किया, तो वो केवल जो है श्रम हो जाता है, क्योंकि एंड रिजल्ट में हम अगर वापस से इस भौतिक संसार में आसक्त रह जाते हैं, तो वापस से मृत्यु के पश्चात फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से सारे वही कार्यकलाप हमको करने पड़ेंगे, वापस से ही संघर्ष करना पड़ेगा इस जीवन को मेंटेन करने के लिए, बार वापस से ही फिर से हमको स्कूल कॉलेज जाके फिर वापस से तैयारी करके फिर किसी तरह से रोटी कपड़ा मकान को अरेंज करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, वापस से फिर इस तरह से जीवन निकलता है, फिर से मृत्यु हो जाता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु, फिर से जन्म, फिर मृत्यु, जन्म, मृत्यु, ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इसलिए इस जो अगर कोई व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है अपने आप को केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो वो केवल श्रम एव ही केवलम हो जाता है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वापस से मृत्यु होके फिर से जन्म होगा, फिर से ये संघर्ष का प्रक्रिया जो है चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे प्रकार से किया गया कोई भी धर्म का कर्तव्य का पालन करने से भगवान के प्रति हमको, उनके कथा के प्रति, उनके नाम के प्रति रुचि विकसित हो जाए, तो वही सफलता है। और धर्मा स्वनिश्चिता पुंसा, आगे आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कर्म करने की प्रवृत्ति मिली है, उस प्रवृत्ति का इस्तेमाल अगर वो भगवान की सेवा के लिए, भक्तों के आदेश अनुसार गाइडेंस में रहकर भगवान की सेवा में वो लगाता है, तो निश्चित रूप में उसका जीवन जो है, वो कर्म जो है, शुद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, वो सिद्धि को प्राप्त प्रदान कर सकता है। यानी अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म करने की प्रवृत्ति है उसको बदलने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सूत गोस्वामी ऐसा नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी कि आपको अपने कर्मों को या कर्तव्य को बदलना है, अपनी प्रवृत्ति, अपने स्वभाव को बदलना है, वो प्रवृत्ति को, स्वभाव को बदलने का आवश्यकता नहीं। आप जो जो जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है, जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। या तो डायरेक्टली भगवान के लिए कर्म करके अपने स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगा के भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर सकता है व्यक्ति, या अगर कहीं अन्यत्र कर्म करना पड़ रहा है, भगवान का के लिए कर्म नहीं कर सकता है, तो फिर उसके फल को, जो कर्म का जो फल है, उसको भगवान भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए, वो भी जो है अल्टीमेटली इक्वल रिजल्ट देगा, यानी सही परिणाम देगा भगवान के भक्ति में, भगवान के प्रति आकर्षण या प्रेम विकसित करने में उस व्यक्ति को मदद करेगा, तो इस प्रकार से वो श्रम नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार के प्रवृत्ति या हम अपने
जो कर्तव्य है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने केवल इस इंद्र तृप्ति के लिए, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यकलाप को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए बंधन का काम कारण बनेगा। इसलिए उसका व्याख्या अगले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी इसके बारे में और करेंगे आगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रम एव ही केवलम, अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो केवल श्रम हो जाता है। देयर आर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ मैंस डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। टू द ग्रॉस मटेरियलिस्ट हु कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द ग्रॉस मटेरियल बॉडी, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द सेंसेस। देयर फॉर हिज ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज आर लिमिटेड टू कंसेंट्रेटेड एंड एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। कंसेंट्रेटेड सेल्फिशनेस सेंटर्स अराउंड द पर्सनल बॉडी, दिस इज जनरली सीन अमंग्स द लोअर एनिमल्स। एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस इज मैनिफेस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटी एंड सेंटर्स अराउंड द फैमिली सोसाइटी कम्युनिटी नेशन एंड वर्ल्ड विद अ व्यू टू ग्रॉस बॉडली कम्फर्ट। Above these gross materialists are the mental speculators who hover aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. But above the body and mind is the dormant spirit soul, whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the नीड्स ऑफ द स्पिरिट सोल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि किस प्रकार से हर व्यक्ति इस संसार में अलग अलग जो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज यानी अलग अलग कर्तव्य में कार्य में लगा हुआ है, उसका आधार क्या है, उसके पास जिस प्रकार का चेतना है कॉन्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ मैंस डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। तो व्यक्ति इस संसार में कार्य करता है अपने इंद्रियों का या शरीर का इस्तेमाल करके नहीं, व्यक्ति कार्य करता है अपने मानसिकता के अनुसार। मानसिकता का मतलब होता है किस प्रकार का कॉन्सेप्शन या विचारधारा, या और प्रिसाइज टर्म्स में बोले चेतना, किस प्रकार की चेतना है व्यक्ति की, उसके अकॉर्डिंग वो इस संसार में कर्तव्य का पालन करता है। और अलग अलग चेतना के अनुसार कोई व्यक्ति जो है के कैटेगरी है अलग अलग, जैसे ग्रॉस मटेरियलिस्ट यानी जो भौतिक भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनका जो चेतना होता है वो इस शरीर पे ही सीमित रहता है, शरीर और इंद्रियों पे। वो सोचते हैं केवल शरीर और इंद्रियों को संतुष्टि कर लें, यही जीवन का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए केवल जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो लगते हैं। ज्यादातर इस कैटेगरी में जो जानवर होते हैं, जानवर केवल अपने शरीर और इंद्रियों तक ही उनकी चेतना सीमित रहती है, तो वो लोग केवल इंद्र तृप्ति के कार्य में लगते हैं। लेकिन जो मनुष्य की चेतना होती है वो थोड़ा सा विकसित होती है तो केवल अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए नहीं सोचता है, वो उसको एक्सटेंड करता है यानी उसको विस्तार करता है। वो केवल अपने इंद्र को तृप्ति नहीं करना चाहता है बल्कि अपने परिवार वालों, अपने समाज, समुदाय, देश, इनके भी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति आइदर सेल्फिशनेस और एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, कंसेंट्रेटेड सेल्फिशनेस मतलब यानी खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, या विस्तार उस स्वार्थ का विस्तार करके अपने परिवार, समूह, समुदाय, समाज, देश के स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करता है। फिर इससे जो ऊपर थोड़ा चेतना वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग ये ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते, वो मन और बुद्धि के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। वो फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च करते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, पोएट बनते हैं, इस प्रकार से वो उस अलग अलग प्रकार के इज्म में फंस के कार्य करते हैं। लेकिन ये हर प्रकार के जो तीनों प्रकार के लोग हैं, एक तो जो ग्रॉस अपने स्थूल शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरे जो कि अपने सूक्ष्म शरीर के लिए मन बुद्धि को सेटिस्फाई इनके इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ये दोनों प्रकार के जो लोग हैं आत्मा के वास्तविक जो कार्य है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं रहती है। जिस प्रकार से एक ज्ञान की कमी, आत्मज्ञान की कमी होने के कारण वो केवल शारीरिक चेतना में रहने के कारण केवल शरीर से संबंधित इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, और उसी के अनुसार उनके कर्तव्य या धर्म निर्धारित हो जाते हैं। इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार के धर्म में होते हैं। बिकॉज फूलिश पीपल हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोल एंड हाउ इट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द बॉडी एंड माइंड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन द परफॉर्मेंस ऑफ दियर ऑक्यूपेशनल
duties. The question of the satisfaction of the self is raised herein. The self is beyond the gross body and subtle mind. He is the potent active principle of the body and mind. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with emolument of the body and mind. The body and the mind are but superfluous outer coverings of the spirit soul. The spirit soul's need must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself. इस प्रकार से इस भौतिक चेतना में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो स्थूल शरीर के चेतना में हो या सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि की चेतना में हो, इस प्रकार से जब वो अपने इस चेतना में रह के धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हैं केवल शरीर के संतुष्टि के लिए, तो आत्मा जो है उनकी संतुष्ट न हो पाने के कारण वो कभी भी सेटिस्फाइड या अल्टीमेट जो संतुष्टि है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसलिए उनके हृदय में हमेशा एक वैक्यूम बना रहता है, एक खालीपन बना रहता है, इसके कारण वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आत्मा, इसलिए आत्मा के विषय में यहाँ पे इंगित किया जा रहा है पिछले 3-4 श्लोकों में कि अगर कोई व्यक्ति, जब तक कोई व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्तव्य धर्म कर रहा है, अगर वो आत्मा के लिए नहीं हो रहा है तो कभी भी वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा, और उसका इस प्रकार से हर प्रकार का जो कर्तव्य है या धर्म है, इंडेवर है, प्रयास है, वो हमेशा क्या रहेगा, इनकम्प्लीट होने के कारण वो केवल श्रम ए वही केवलम रहेगा, यूजलेस इंडेवर रहेगा। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ पे सुख गोस्वामी इस बात को प्रेरित कर रहे हैं कि व्यक्ति को आत्मा के तत्व के बारे में जान के आत्मा के स्तर के लिए भी कार्य करना चाहिए, यानी आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा का कल्याण किस में है कि वो भगवान के भक्ति में लगे, भगवान के प्रति आकर्षण विकसित करे, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान से वापस से कनेक्ट होके भगवान के प्रति प्रेम विकसित होने के पश्चात ही आत्मा जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती है। इसीलिए इन श्लोकों में बोल रहे हैं कि हर प्रकार का वो प्रयास जो हमको भगवान विश्वक्षेण यानी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम उत्पन्न नहीं करता है, वो केवल एक श्रम ही हो जाता है। हरे कृष्ण, इसी के साथ आज यहीं पे विराम करते हैं। आप किसी भक्त का कोई प्रश्न सकते हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब प्रवृत्ति के बारे में बात हो रही थी तो प्रवृत्ति का क्या इससे सत्व तमो रजो से भी कनेक्शन है गुण से? हाँ, ये अलग हरे अलग, कृष्ण। हाँ, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये स्वभाव नेचर या नेचर मतलब प्रकृति के जो स्वभाव, प्रकृति के जो गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, उनके कारण ये प्रवृत्तियां जनरेट होती हैं, और उसी के आधार पे ये वर्ण व्यवस्था बनाया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है उनके स्वभाव के अनुसार, यानी किस गुण में वो व्यक्ति है। अगर कोई सत्व गुण में है प्रोमिनेंटली, कोई भी व्यक्ति किसी एक गुण में हमेशा नहीं रहता है, वो मिक्सिंग रहता है, लेकिन अगर तीनों में से सतोगुण सबसे ज्यादा है किसी के अंदर तो वो ब्राह्मण कहलाता है, और किसी के अंदर रजोगुण का प्रधानता है तो क्षत्रिय या वैश्य बनता है, और तमोगुण की प्रधानता रहती है तो वो शूद्र कहलाता है। इस प्रकार से गुणों के प्रधानता के हिसाब से है ये। अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि उसके अंदर रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता है तो वो क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बन सकता है, तो कोई ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया लेकिन वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाया, और कोई वैश्य शूद्र के घर में जन्म लिया लेकिन सतोगुण में होने के कारण वो ब्राह्मण की कैटेगरी में, उसको फिर दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण तो बने। इस प्रकार से ये प्रवृत्तियां 3 गुणों के आधार। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया तो उसमें और एक चीज ऐसा है, वो सही है क्या जरा बता दीजिए। जैसे हमें पूर्ण भाव से भक्ति करने के लिए भगवान तो हर एक सृष्टि के एक छोटे से कण कण में है, तो हम अपना पूर्ण बुद्धि मन भगवान को समर्पण करेंगे और भगवान को ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे मन और बुद्धि और शरीर से ऐसे कार्य हो जाए जिसमें भगवान को पाने की कर्म हो, तो वो ये सर्व भक्ति है क्या? हाँ, जैसे हम प्रार्थना हमको करना चाहिए कि हम, जैसे मैं कल शाम को बोल ही रहा था कि हमको भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हमेशा हैं, तो आप कृपा करके मुझे कभी आपका विस्मरण ना हो और कभी मैं आपको भूलू ना,
इस ऐसा आप कृपा करिए, जिस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान मदद करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि एनी एक्टिविटीज जो भगवान से कनेक्ट कर दें, और वो वही सच्चा धर्म है। और दूसरी चीज ये बताया कि चेतना से, अकॉर्डिंग टू चेतना, एवरी इंडिविजुअल से डूइंग देयर वर्क। तो प्रभु जी, अगर ये चीजें हैं तो फिर हम माला और एक कर्म कांड पर क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेतना वो एक्टिविटीज करेगा ना, तो उसकी चेतना के अकॉर्डिंग उसको जवाब देना चाहिए ना प्रभु जी। तो आपका प्रश्न है कि फिर कर्म कांड वगैरह क्यों करते हैं? ओके, तो अपनी अलग अलग चेतना के अनुसार व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान की मदद से जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो अपनी चेतना को चेंज कर सकता है। हालांकि प्रवृत्ति तो नहीं बदलेगी, स्वभाव नहीं बदलेगा, कर्म करने का जो उसके अंदर प्रवृत्ति है वो 3 गुणों से प्राप्त है वो नहीं बदलेगा, लेकिन उसी प्रकार का कर्म उसी प्रकार के स्वभाव के अनुसार वो जीवन यापन कर सकता है, लेकिन चेतना बदल सकता है। तो चेतना बदलने से क्या होगा, उसी प्रकार के कर्मों को करने से वो भगवान से जोड़ देगा, तो भगवान के प्रति जब इस प्रकार से भक्ति है सेवा करेगा तो भगवान के प्रति आकर्षण विकसित होगा, तो उस प्रकार से सफलता प्राप्त हो जाएगी और वो उन्नति कर सकता है आगे आध्यात्मिक मार्ग के लिए। इसलिए शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान दे करके लोगों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के भक्ति में आध्यात्मिक मार्ग लगाया जाता है। तो सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद ये।